मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस एन अपॉर्चुनिटी. मैडम, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स हैज बीन इंक्रीज मैनीफोल्ड इन माय स्टेट ऑफ ओडिशा. द फार्म पर इनपुट इन माय स्टेट इज 1.55 किलोवाट पर हेक्टर कंपेयर टू 2 किलोवाट एट द नेशनल लेवल. सो टू मिनिमाइज द डिस्पैरिटी, अराउंड 92% ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ माय स्टेट आर प्रोवाइडेड विथ फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स ऑन सब्सिडाइज रेट. इन दिस रिगार्ड the state government has provided 250 crore where the assistance of central government is only 12 crore under the central sector scheme on agricultural mechanization method which is not adequate to meet the target. Hence I urge upon the government of India to consider enhancement of allocation of funds from March to 12 crore to at least to 100 crore under this scheme. Thank you, madam. Dr. Hina Gavi. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया. मैडम, केंद्र सरकार ने 2 दिसंबर 1985 में महाराष्ट्र राज्य के सभी आदिवासी गांवों की सूची गैजेट में शेड्यूल एरिया में बनाई थी और मैडम इस सूची में आज करीब 85% जो गांव है जो कि ट्राइबल लोग जहां रहते हैं वो इस सूची में नहीं है. मैडम, इसके कई कारण हैं. जब वो सूची बनी थी तब उस गांव की जो आबादी थी वो उतनी नहीं थी, आज आबादी बढ़ गई है. आज एक ग्राम पंचायत की 2-3 ग्राम पंचायत बनी है और इसके कारण आज एक गांव के 2-3 गांव हो गए हैं. मैडम, आज महाराष्ट्र राज्य में पेसा कानून सभी शेड्यूल एरियाज में इम्प्लीमेंट हो रहा है और मैडम पेसा के अंतर्गत जो शेड्यूल एरिया में आदिवासी गांवों की सूची जो है उसी गांव में ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. मैडम, इसके कारण आज पेसा के अंतर्गत जो शेड्यूल एरियाज में जो नौकरियां स्पेशली जो वर्ग 3 वर्ग 4 की जो नौकरियां है ये उन्हीं लड़कों या लड़कियों को मिलेगी जो उन गांवों में रहते हैं जो पेसा में इंक्लूडेड है. मैडम, इतना ही नहीं कि महाराष्ट्र सरकार में और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं ये उन्हीं गांवों को मिल सकती है जो पेसा के अंतर्गत इंक्लूडेड है. मैडम, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को मांग करती हूं कि एक पुनः सर्वे सारे शेड्यूल एरियाज का महाराष्ट्र में हो और जो गांव छूट गए हैं उन सभी का इस सूची में समावेश हो. थैंक यू. रवनीत सिंह. थैंक यू मैम. मैडम, हमारा समाज, हम सब गऊ रक्षक हैं और हम सब गऊ की सेवा भी करते हैं. आज एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में गऊ का बना हुआ है, लेकिन मैं उससे अलग पंजाब जो स्टेट है उसकी जो उस किसान की तकलीफ है वो आपके माध्यम से इस पार्लियामेंट में इसके ध्यान में लाना चाहता हूं. मैडम, जैसे कि आप जानते हैं पंजाब का किसान पहले ही, क्योंकि चाहे जमीन पैदावार कम हुई हो चाहे लैंड होल्डिंग्स कम हुई, इसलिए सहायक धंधे जो है डेयरी फार्मिंग है, पिगरी है या मुर्गी फार्मिंग है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है. तो मैडम, सबसे ज्यादा हमारे तकरीबन 3 लाख गाय जो है आपकी स्टेट चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो चाहे आंध्रा में हो, एक साल में 3 लाख गाय हमारी जो अच्छी ब्रीड है जो 1990 में जर्सी जो क्रॉस ब्रीड करके जर्सी गऊ हमने इख्तियार की थी जिसका शायद यूरोपियन कंट्रीज और चाहे अमेरिका की बात करें उनकी गऊ से ज्यादा उनकी दूध का प्रोडक्शन है जिसका 40 से लेकर 65 केजी तक उनकी प्रोडक्शन है. इसलिए मैडम, किसान जो है हमारा इसके सिर ऊपर वो बचा हुआ था क्योंकि लगातार उसकी जो वो दूसरी स्टेट्स को गऊ जो भेज रहा था उसकी उसे अच्छी कीमत मिलती थी जिसका तकरीबन 65,000 से 1 लाख रुपये एक गऊ का मिलता था. अब दूसरा धंधा हमारा है पंजाबियों का ट्रांसपोर्ट. दोनों धंधे आज बहुत बड़े खतरे में इन गऊ रक्षकों को, जो एक सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो हर रोज ट्रांसपोर्टरों के पास जाते हैं उनसे एक महीने का एक ट्रक का 2 लाख मांगते हैं. तो इसलिए मैडम, आज हमारे जितने भी डेयरी फार्मर हैं जिनकी जिनकी संख्या लाखों में है और 65,000 बड़े फार्मर्स जो इसका काम करते हैं, 10,000 का ऑर्डर आज गऊओं का बांग्लादेश से है, आज नेपाल से है. मैडम, मैं हाउस से चाहता हूं हम फार्मर्स को और डेयरी फार्मर्स को किसी तरीके से बहुत सख्ती से उनको, चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो चाहे होम मिनिस्ट्री हो, हमारे डेयरी फार्मर्स को और पंजाबियों को जो पहले खेती फेल हो चुकी है
और नशे की बहुत दलदल में फंसा हुआ है, उससे अगर निकालना है तो मैडम पंजाब के किसान को, डेयरी फार्मर को, इन गौ रक्षकों को, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक टेररिज्म की तरह है, इनसे बचाना चाहिए। मैं आपकी मदद चाहता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय रेलवे मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारी सालों पुरानी जो डिमांड थी, पालीताना जो जैनों का पवित्र तीर्थधाम है, वहाँ से बम्बई के लिए यानी कि बांद्रा के लिए पिछले साल एक वीकली ट्रेन चला दी। लेकिन मैडम एक ट्रेन एक बार आ जाती है जो पालीताना, वहाँ यार्ड की सुविधा नहीं है और उनकी वजह से वो भावनगर आ जाती है फिर, और वहाँ ऐसे ही 5 दिन तक यूजलेस वहाँ रुकी रहती है, उनका कोई यूज़ भी नहीं होता है। और हम देखते हैं मैडम कि हमारे शास्त्रों में भी हरिद्वार का बहुत ही महत्व है, और हमारे सौराष्ट्र में से एक भी ट्रेन हरिद्वार तक नहीं जा रही है, और हमारे भावनगर, बोटाद और अमरेली और आसपास के इलाके में से हजारों की संख्या में लोग हरिद्वार आते जाते रहते हैं पूरे साल भर। और दूसरा मैडम, हमारा अहमदाबाद भी हमारा कैपिटल जैसा ही है, हजारे लोग वहाँ भी आते जाते रहते हैं, एक भी इंटरसिटी ट्रेन हमारे भावनगर से अहमदाबाद तक नहीं है। और तीसरा मैडम, सूरत भी हमारा डायमंड सिटी है, और सूरत और भावनगर दोनों डायमंड सिटी है, और हमारा व्यवहार ट्विन सिटी जैसा है, एक डेली ट्रेन भावनगर से सूरत तक भी हम सालों से डिमांड कर रहे हैं। तो ये हमारी ट्रेन, तीनों ट्रेनें, माननीय रेलवे मंत्री जी से अनुरोध है कि ये हमारी तीनों ट्रेनें चलवाने की कृपा करें। धन्यवाद। महोदया बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि एवं पौराणिक देवभूमि बक्सर जो हमारा संसदीय क्षेत्र है महोदया, वहाँ केंद्र सरकार ने रामायण परिपथ, रामायण सर्किट के रूप में जोड़ने का, तीर्थाटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। महोदया हाल में वहाँ जो DPR की बनाने की बात हुई थी महोदया, वो अभी तक DPR बन नहीं पाया है, और बक्सर के पंचकोशी मेला जो भगवान राम स्वयं उन स्थलों पर, राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र गए थे, उसकी भव्य प्रतिमा स्थापित करने का साथ साथ पंचकोशी क्षेत्र का जो विकसित करने हेतु जो लोगों ने आग्रह, पंचकोशी मेला होता है हर एक बार, और साथ अवशेषों को, वहाँ के जो अवशेष हैं उसका जीर्णोद्धार, और यातायात हेतु सड़क, पेयजल, शौचालय, विद्युत की समुचित व्यवस्था, वृक्षारोपण, तालाब, घाटों आदि का निर्माण, ये जनहित में अत्यावश्यक है महोदया। लाखों लोग तीर्थाटन हेतु महोदया राज्य एवं राज्य के बाहर से पंचकोशी मार्गों में प्रतिवर्ष आते हैं। माँ गंगा पर स्थित तपोभूमि बक्सर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने हेतु तीर्थाटन केंद्र के रूप में विकसित करना अत्यावश्यक है। अतएव आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द DPR बना करके 52 भगवान अवतार स्थल, सप्त पौराणिक अहिल्या उद्धार। हो गया हो गया, आप बोलिए ना। धन्यवाद सभापति महोदया। घर में रुलाता है, बाहर रुलाता है, उत्पादकों को रुलाता है, ग्राहकों को रुलाता है, और कभी कभी सरकार को भी रुलाता है। ऐसे प्याज के बारे में मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो मैं 2004 से पैच के बारे में हमेशा इस संसद में सवाल उठाता हूँ। महोदय, भारी बारिश के और बाढ़ के वजह से मेरे दिंडोरी क्षेत्र में खरीफों की खेती की थी, पूरी बर्बादी हो गई, पूरी खत्म ही हो गई। उसमें प्याज की भी 50% से भी ज्यादा प्याज का नुकसान हुआ है। और एक महीने से महोदया मेरे क्षेत्र में और खास करके नासिक डिस्ट्रिक्ट में प्याज की खरीदी कंप्लीटली बंद हुई है। डिमांड रखो, इसलिए वहां किसानों की बहुत ही नुकसान हो रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार को विनती करने वाला हूं कि किस व्यापारियों ने जो बोरी भर के लाने की जो कंडीशन लाई है उसको खत्म करो, और पहले जैसी वो ट्रॉली में जो लाते थे किसान वो खुली करो, और पर किलो किसानों को कम से कम 2 रुपए अनुदान देना चाहिए, और समर्थन मूल्य सरकार ने कम से कम 2000 रुपए देने की शीघ्र ही घोषणा सरकार करेगी। इसके आपके माध्यम से सरकार को विनती करता हूं। धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। एक निवेदन के साथ अपनी बात शुरू करूंगा
कि लोकसभा के इतिहास में मेरी जानकारी में संभवतः पहली बार यह विषय उठ रहा है, इसलिए कृपा कर मुझे अपनी बात पूरी करने की अनुमति देंगे और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ महत्वपूर्ण विषयों को ही रखूँगा, बिंदुओं को ही रखूँगा। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी एक भाषा है मगही भाषा, जिसको झारखंड, बिहार और नेपाल के बड़े हिस्से में ये भाषा बोली जाती है। लगभग 2 करोड़ लोग इस भाषा को बोलने वाले हैं और सबसे तो इस भाषा की खासियत यह भी है कि इस भाषा की अपनी लिपि भी है, जिसे कैथी के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी तक इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ग्रामरियर कच्छयानों ने मगही भाषा के महत्व को लिखते हुए कहा है, यह भाषा सभी भाषाओं की बुनियाद है। प्रकांड पंडितों ने भी, अन्य लोगों ने भी कल्प के शुरुआत में इस भाषा को बोलने की चर्चा बताई गई है और सर्वोच्च एवं पूज्य भगवान बुद्ध की जो तपोस्थली है वो भी इसी भाषा के क्षेत्र में आती है। महोदया, एक मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। यह मगध साम्राज्य का जो उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा, जो आज का पटना है, जो बिहार की राजधानी है, शिशुंग वंश ने मगध वंश को स्थापित किया था। मगध वंश का भारत में शासन 684 बीसी से 320 बीसी तक का उल्लेख है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में, और अंतिम मेरा अंतिम निवेदन, महोदया मैं खत्म कर रहा हूँ, बस 2-4 सेकंड लूंगा, अंत में रौरा से विनती करब कि मगध के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विश्व में मगही भाषा के प्रचलन के देखते हुए मगही भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़े के कृपा कैल जाए। ई उपकार ला हमनी मगही भाषी जीवन भर राउर आभारी रहा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के गठन में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित 73 सांसद हैं जो सत्ता पक्ष के और उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत हैं और उन्होंने अपने संसाधनों से जो कर सकते थे किया, और जो उत्तर प्रदेश की जनता का हक बनता है केंद्र सरकार के ऊपर, उन तमाम मुद्दों को लेकर लगभग 100 से ज्यादा पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री जी सहित विभिन्न मंत्रियों को लिखा है। अध्यक्ष जी, बड़ा अफसोस है इस बात का कि प्रधानमंत्री जी सहित तमाम मंत्रियों ने उसका जवाब तक देना उचित नहीं समझा, और जवाब के साथ साथ अध्यक्ष जी, जो उत्तर प्रदेश का अधिकार बनता है, कुछ चुनिंदा अध्यक्ष जी समय चाहेंगे, 22 करोड़ लोगों की बात है। अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की तनख्वाह के लिए 3585 करोड़ की मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रखी, जिसको अभी तक सरकार ने नहीं स्वीकार किया। इसी तरह अध्यक्ष जी, जो मध्यान्ह भोजन के जो रसोइयों की कई बार सदन में चर्चा हुई, इसके लिए भी इनका वेतन माह 2000 रुपए किए जाने की मांग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष जी रखी है। इसी तरह से अध्यक्ष जी, पेयजल के लिए जो संकट की बात चली है, पेयजल के लिए भी 1500 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भारत सरकार से मांग की है। बुंदेलखंड, जिसके बारे में सूखा के बारे में पूरे देश में गंभीर था, बिंद क्षेत्र उत्तर प्रदेश का 2360 करोड़ रुपए की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी 2 मिनट, 22 करोड़ के लोगों की सवाल है जी, अध्यक्ष जी 2 मिनट। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी, अनुसूचित जात जिस पर भी हम 2 बजे के बाद चर्चा करेंगे, लगभग 1425 करोड़ रुपए आपकी मांग की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आपसे, और पूरे के पूरे अगर बात करेंगे, रेल से लेके, सड़कों से लेके, बिजली विभाग से लेके, तमाम विभागों की जब हम योजनाओं को जोड़ने का काम करेंगे, तो लगभग 60,000 करोड़ उत्तर प्रदेश का बकाया है केंद्र सरकार के ऊपर अध्यक्ष जी। तो हम आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करेंगे, और उत्तर प्रदेश के जो बहुत सारे लोग जीत के आए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को खड़ा किए हैं, वहीं 73 सांसद कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। और अगर सहयोग नहीं करोगे तो मैं आज कह रहा हूं, 19 में मोदी जी भी चाह के आपको जिता नहीं पाएंगे, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं जी। और इसलिए आपसे मांग है कि केंद्र के लोग, केंद्र की सरकार, जो उत्तर प्रदेश का हक है,
उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है। जिस विकास के दावे के साथ प्रधानमंत्री जी आए थे वो दावा को सच्चाई में परिवर्तित करें और उत्तर प्रदेश की जनता के विकास की रुकी हुई योजनाओं को देने का काम करें, जैसे उत्तर प्रदेश एक बेहतरीन प्रदेश देश के अंदर बन सके। ये मांग के साथ अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, आप ममता की प्रतिमूर्ति हैं और मैं जिन अनाथ बच्चों के विषय को यहां पर उठाना चाहता हूं उसमें आपका संरक्षण भी चाहता हूं। देश में हर वर्ष हजारों की संख्या में बच्चे जो है ना अपहरण के कारण या मां बाप का निधन हो जाने के कारण अनाथों का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब माता पिता के नहीं होने के कारण उनकी जातिगत सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का भी पता नहीं लग पाता है, उनकी जातिगत जन्मतिथि का भी पता नहीं लग पाता है और बहुत सारे मां बाप गरीब होने के कारण बच्चा अगर दिव्यांग होता है, गूंगा बहरा होता है या अंधा होता है तो गरीबी के कारण भी बच्चों ऐसे बच्चों को लावारिस छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे अगर अच्छा संरक्षण मिल जाता है, अच्छे लोग उनको पालने वाले मिल जाते हैं तो उनका जीवन समर जाता है, अन्यथा आपराधिक जो तत्व होते हैं ऐसे बच्चों का अपहरण करके और उनको अपने संरक्षण में लेकर आपराधिक गतिविधियों में उनको शामिल कर देते हैं। विडंबना इस बात की है कि देश भर में जो शासकीय या एनजीओ के द्वारा चलाए जाने वाले जो अनाथालय हैं लगभग 1137 अनाथालय चल रहे हैं और उसमें मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य हैं इनमें अनाथालयों की संख्या कम है। अब मध्य प्रदेश के जैसे बड़े राज्य में सिर्फ 32 अनाथालय हैं, वहीं मणिपुर में भी 32 हैं, तमिलनाडु में लगभग 221 हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सिर्फ 44 हैं, पश्चिम बंगाल में 50 हैं, दिल्ली में 22 अनाथालय, महाराष्ट्र में 70 और हिमाचल प्रदेश में 25 और बिहार में सिर्फ 21 अनाथालय हैं। विडंबना यह है कि अपनों से बिछड़े हुए जो बच्चे हैं इनको मिलाने का काम करने वाले जो अनाथालय हैं इन अनाथालयों का ध्यान बच्चों के संरक्षण की तरफ, उनके पालन पोषण की तरफ कम होता है, अनुदान पर ज्यादा होता है और देश में ऐसे जो अनाथालय में जो बच्चों के साथ में यातनाओं की खबरें भी आए दिन समाचार पत्रों में आती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश भर में जो पूर्व से जो अनाथालय चल रहे हैं एक तो उन अनाथालयों की व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में कदम उठाए जाएं और वहां पर इस तरह की उदासीनता करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाएं, साथ ही राज्यों की संख्या के मान के हिसाब से और अनाथालय खोलकर ऐसे अनाथ बच्चों के जीवन को संवारने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पूरे देश में एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किए गए अनेक पावर प्लांट हैं जिनके माध्यम से आज हमारे पूरे देश को बिजली मिलती है, लेकिन जिस वक्त में इस प्लांट के लिए जमीन की आवश्यकता होती है और आवश्यकता के अनुरूप उनको जमीन मिलती है, हमारे किसान भाई उनको जमीन भी देते हैं और उस समय सरकार आश्वस्त करती है और एनटीपीसी आश्वस्त करती है कि हम इस विषय में आपको जो हमारे पीएपीज रहेंगे उनको जॉब दिया जाएगा, लेकिन आज ये देखा जाता है कि उत्पादन शुरू होने के बाद भी उन किसानों के बच्चों को किसी तरह का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसी तरह मेरे रामटेक लोकसभा मतदान क्षेत्र में जो मऊदा एनटीपीसी प्लांट शुरू हुआ है वहाँ के किसान काफी आंदोलन कर रहे हैं, उनके बच्चों को अभी तक जॉब दिया नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, इस कारण ये होता है कि हमारे किसानों के बच्चों को आत्महत्या समान भारी आती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक विनंती करना चाहता हूँ कि इसी प्लांट के अंदर में एक इन्होंने सरकार ने यूपीएल करके कंपनी बनाई है जो सरकारी कंपनी है, उनके द्वारा इनको कॉन्ट्रेक्चुअल में लिया जाता है और उनको कॉन्ट्रेक्चुअल का रेट दिया जाता है जबकि वहाँ जगह खाली होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनंती करता हूँ कि यूपीएल में देना है तो दीजिए, लेकिन उनको कम से कम अदर लोगों के जो मिलता है उससे ज्यादा बेनिफिट्स ये किसानों के जिनकी लैंड गई हुई है उनको दिया जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। थैंक यू मैडम। दिस डिमांड टू अनाउंस रेमुनरेटिव प्राइस फॉर टोबैको एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग द क्रॉप साइज इटसेल्फ। मैडम मैडम 50% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड 70% ऑफ कंट्रीज टोबैको ग्रोन फ्रॉम Andhra Pradesh, especially from Prakasam district, madam. Every year, Tobacco Board fixes crop size for forthcoming year and farmers produce tobacco according to demand. This year, they are going to hold this meeting on 17th of August, madam. Madam, the problem is during last few years, tobacco farmers are facing a lot of problems because of want of remunerative prices and rapid shrinking of crop size of every year, madam. And this is because of failure from the Tobacco Board side.
and government of Andhra Pradesh and government of India, madam, to provide remunerative price to the farmers, madam. Due to this, there is a huge difference between production cost and remunerative price, resulting huge losses to farmers, madam. Farmers have been demanding for announcing remunerative price at the time of deciding crop size itself, madam, but their genuine demand seems gone with the wind, as nobody is listening to them. Tobacco board, by limiting the crop size, the pressurizing farmers to stop tobacco cultivation. Farmers are willing, but they are not demanding. They are only demanding to show them the alternative crops, viable alternative crops, madam. But tobacco board or government of India and government of Malaysia, they are not coming forward. They are demanding remunerative prices at the time of fixing the crop size itself. Thank you, madam. Respected Madam Speaker, I would like to draw the attention of the House through you to the following matter of urgent public importance for taking immediate remedial action, madam. Yes. Indian Maritime University is functioning in Chennai. Though irregularities and illegal actions have come to light, no actions seems to have taken against the person responsible. During the present Vice Chancellor tenure, sir, 34 persons have left and resigned from the university, and some were forced to go to their parent department. The registrar of the university has also resigned within 44 days of the joining. Irregularities in appointments, pay fixation, etc., have taken place, and they were exposed by the then Vice Chancellor. The university illegally managed to get rupees 30 crore from ASFA, Ministry of Shipping, without proper budget sanction. There were irregularities in the utilization of government grants in the university. Yes, yes. There were blanket misuse of university funds, though illegal means. Rampant corruptions taking place in the appointment of employees in the university. Okay. When the then Vice Chancellor exposed the irregularities, instead of taking actions against the persons responsible, actions was taken against the whistleblower, and the net result is that the former Vice Chancellor of IMU was suspended for more than 21 months. But apparently no charge sheet was issued or suspension was revoked, defying the directions of the DOPT and the orders of the Supreme Court of India. The university authority has defied the orders and directions of the nodal ministry, which is the shipping ministry, under Section 50 of the IMU Act. Hence, I request the Honourable Prime Minister to immediately intervene in the matter and take actions against the persons responsible in the Maritime University, India. Thank you. Ramachandran. Madam Speaker, really I thank you for giving time me to pay my gratitude to the three great giant leaders of the world, Honourable Chief Minister of our Amma and Honourable Prime Minister of our country, and His Excellency the President of the Russian Federation, for having jointly dedicated the Kodankulam Nuclear Plant Unit 1. Yesterday, it was historical, remarkable and remarkable video conferencing to the Indo-Russian Friendship Cooperation. Madam, this has put Kodankulam in Tamil Nadu in the nuclear power map of the world, and took Tamil Nadu to near heights among the nations of the world. Madam, as we all know, there were many hurdles in the execution of this ultra-mega power project. There were protests, demonstrations, and stiff opposition to this project. But our Amma, with their decade experience, withstood all the resistance that came in the way and saw to the country gets nuclear power from thank our you. Nation. Thank again, you. I thank, thank you. Again, Dushyam our thank, and thanks a lot. I associate the matter, madam. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. एक गंभीर विषय मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा. पिछले दिनों जब 121 एथलीट्स की एक टीम रियो के लिए हमारे देश से रवाना हुई, तो तीन एथलीट्स डोप में पॉजिटिव पाए गए. उस दौरान हरियाणा के धर्मवीर सिंह और इंद्रजीत सिंह, जिनके 6-6 बार नेगेटिव टेस्ट आने के बाद 7वीं बार में पॉजिटिव आने पर उनको रियो नहीं भेजा गया. वहां पर प्रधानमंत्री की लोकसभा से नरसिंह, जो इस देश का नेतृत्व अब रियो में कर रहे हैं, उनको भेजा गया. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जवाब चाहूंगा कि इस देश को बताने का काम करें कि ये भेदभाव एक खिलाड़ी के साथ क्यों किया गया. हरियाणा प्रदेश के भिवानी से, रोहतक से आए हुए दो खिलाड़ी, जिनने 37 सालों में पहली बार 100 मीटर के अंदर इस देश के लिए क्वालिफाई करने का काम किया, शॉर्टपट जैसे इवेंट्स के अंदर इस देश का नाम रोशन करने के लिए जिनने रियो जाना था, उनको क्यों नाडा ने ब्लॉक किया, और एक खिलाड़ी के लिए स्पेशल प्रेफरेंसेज क्यों इस देश के अंदर देने का काम किया गया, माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बताने का काम किया. धन्यवाद अध्यक्ष. यस, कौन है?
हेमंत गोडसे जल्दी. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैडम. आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड्स द नेचुरल कैलेमिटी caused by the heavy rainfall taken place in my constituency Nasik, Maharashtra. Thousands of farmer, residential people and traders have suffered by the heavy financial losses and need immediate assistance from the government. Madam, on 2nd and 3rd August 2016, a heavy rainfall followed by a devastating flood washed out the crops, farming land, residential houses, commercial jewelry market, due to which the people were facing resources for human survival and financial losses. Madam, on 7th August, on Sunday, I along with some official surveyed the affected area. Quite depressing situation was found in the area called Kazigadi, based on the bank of Godavari River, situated on hilly area, was dissolving due to the heavy flood. Some of the houses have lost their foundation support and are on hanging position. So immediately such residential people should be shifted and alternate accommodation should be given to the people to avoid the malign type of situation. Also such unsafe residential houses should be accommodated permanently for safety. मैं बहुत housing for गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि इस हाउस में हर जीवित आत्मा जोड़ी जाएगी पार्टीबाजी से ऊपर उठकर. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मुझे समय का बंधन ना दिया जाए. आप जानते हैं, दुनिया जानती है, देश जानता है 1984 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ और बहुत सारे कमीशन बने, दोषी पहचाने गए. मैडम, आज नया खुलासा आया है, नया खुलासा आया है सीबीआई की फाइलों का. मुझे दिल्ली कमेटी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने दिया है कि जो सीबीआई की फाइलों में दर्ज हुआ है कि जो पुल बंगश गुरुद्वारा के सामने बादल सिंह नाम का एक व्यक्ति मारा गया था, उसके जो गवाह था आई विटनेस सुरेंद्र सिंह, उसको मैनेज करने के लिए जो सीबीआई के फाइलों में अभिषेक वर्मा ने बयान दिया. मैडम, अभिषेक वर्मा ने के 5 करोड़ रुपए जगदीश टाइटलर जी ने कनेडा दिए और उसके लड़के को $50,000 देकर बाहर भेजा. मैडम, मैडम स्पीकर मैडम, मैं इतना बड़ा बेवकूफ कोई किसी को दोषी को हो गया. बैठिए सलीम साहब, मैंने आपको बोल दिया रिपोर्ट डाल दी. मैडम, मैं आपके सामने एक विनित निवेदन रखना चाहता हूँ. मैं जादू आप जब चिल्ला होते कुछ नहीं होते. मैडम सिंधिया प्लीज. मैडम, मैं आपके सामने एक विनित निवेदन रखना चाहता हूँ कि हम अक्सर जुडिशियरी को ये कहते हैं कि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन ये सबसे बड़ा पंचायत है हमारा देश का. और मैं 5 वाक्य कहूंगा इसमें, 5 वाक्य कहूंगा सिर्फ. आप 5 महीना हो गया, हमने यहाँ पे वो जो narodanews.com में जो एक्सपोजर हुआ था, क्या मैडम फॉरेंसिक लैब ने ये कह दिया कि वो सही है, लेकिन आज तक एथिक्स कमिटी की बैठक नहीं हो रही है. देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं चोर के दारे में. शिवपुरी वाटर, वाटर का मैडम. अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया. केंद्र सरकार ने UIDSS MT योजना में 60 करोड़ की पानी की योजना 2008 में स्वीकृत करी थी मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए. 8 साल हो गए महोदय, वहां बहुत समय से विलंब ये योजना हो चुकी है. केवल 60% का कार्य हुआ है. नगर पालिका को कार्य देने में 2 साल लग चुके. वहां वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड के पेड़ों के काटने में प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से 3 साल निकल गए. पानी की त्राई त्राई मच रही है. 50 डिग्री की तापमान में जनता वहां मूव कर रही है. मैं इस योजना के तहत 5 साल के अवधि के साथ 90 करोड़ 100 करोड़ की योजना होगी. प्रधानमंत्री मेरे चुनाव में गए थे, उन्होंने कहा था कि 6 महीने में करके दिखाएंगे. चुनावी जुमला रह गया. मैं शहरी विकास मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च समिति गठित हो जाए ताकि 2 वर्षों से लगातार अकाल के बाद पहली बार पानी बरसा है. नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. जनार्दन मिश्रा जी, यस आप बोलिए ना. अध्यक्ष महोदया, बहुत दिनों बाद आ गई कॉन्स्टिट्यूशन. जंगली जानवरों से फसलों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है. नीलगाय, हमारे जिले में 1/3 इलाके में नीलगायों द्वारा पूरी फसल नष्ट की जा रही है. भारत सरकार ने वन्य संरक्षण अधिनियम में संशोधन जरूर किया है, लेकिन प्रदेश सरकारों का रुख अभी उस पर ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ है. मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि प्रदेश के वन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कर किसानों को नील गायों से होने वाली नुकसान हो गया
House stands adjourned to meet again at 2:35.